हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो हम यहाँ पे श्रेणी क्रम उत्तम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट है तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। सेकेंड है तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों की को विकसित करना। थर्ड है प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। फोर्थ है प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, तुलना करना। तो ये जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, तो जो प्राथमिक लेवल पर बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम मापने का सबसे जो उत्तम तरीका हो उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि पहले हम किसी चीज़ की तुलना करके दिखाएंगे बच्चों को, फिर अप्रामाणिक मापों के बारे में बताएंगे, फिर प्रामाणिक मापों के बारे में बताएंगे, फिर प्रामाणिक इकाई को विकसित करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। फर्स्ट है प्रक्रियात्मक ध्येय, सेकंड है सुव्यवस्थित ध्येय, थर्ड है सामाजिक ध्येय, फोर्थ है विषयात्मक ध्येय। तो यहाँ पे फोर्थ क्लास के बारे में बात की जा रही है, उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा? तो जैसे कि हम बात करें दशमलव संख्या को सिखाने की बात करते हैं, क्रम को रखने की बात करते हैं, तुलना रखने की योग्यता की रखने की बात करते हैं, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है फोर्थ वाला, विषयात्मक देह की बात कर रहे होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा फोर्थ में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? कक्षा फोर्थ में हम सममिति और परावर्तन ज्यामिति के बारे में, संकल्पना को वृद्धि करने के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा उपकरण सबसे आवश्यक होगा? क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट है मोतियों की माला, सेकंड है बिंदु चार्ट या डॉट पेपर, थर्ड है गिनतारा, फोर्थ है द्विमुखी पटल या काउंटर। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, तो हम जैसे कि ज्यामितीय और परावर्तनीय के बारे में, जो संकल्पना के बारे में पढ़ाएंगे, तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि डॉट पेपर को लेंगे और उस पर आराम से हम बच्चे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। कक्षा फिफ्थ में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। तो वाद विवाद रखा गया शून्य के बारे में, कक्षा फिफ्थ है गणित पीरियड के बारे में। तो जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट है विश्लेषण और संप्रेषण में, सेकंड है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, थर्ड है वे समस्याएं हल करने में जिनमें संख्याओं के अंत में शून्य हो, फोर्थ है मित्रों को सहयोग देने में। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया, बात बात रखा गया, तो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे हम शून्य के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे कि समझाए बच्चों से कि विश्लेषण और संप्रेषण के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से चीजें शून्य रखने से संख्याओं में बदलाव होता है, तो हमारा इस विश्लेषण से संप्रेषण की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा इज द फर्स्ट इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, इतनी मेहनत करने के बाद में एक लाइक तो बनता है। यदि एक विद्यार्थी को संख्या और परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता को हो सकती है जिसका नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है लेखन क्षमता डिसग्राफिया, सेकंड है गणितीय क्षमता कैलकुलिया, थर्ड है दृश्य स्थानिक संगठन में अक्षमता या असमर्थता, फोर्थ है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर पूछा बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी को संख्या परिकल्पना समस्या हो रही है तो पढ़ने में या असमर्थता हो सकती है, ये चीज़ पूछा, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ही हमारा गुड होगा इसमें कि जब संख्याओं की काउंटिंग करने में दिक्कत हो रही है तो हमारा जो रोग होता है वो क्या होता है, कैलकुलिया या कैलकुलेशन होता है। तो डिसकैलकुलिया हमारा इसका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गणितीय क्षमता के बारे में जब भी बात करते हैं, गणित पढ़ने के बारे में बात करते हैं, हमारा करेक्ट आंसर होगा डिसकैलकुलिया, इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकुलिया से याद रखना, कैलकुलेशन या कैलकुलिया हमने हिंदी के शास्त्र में बताया हुआ। और डिसलेक्सिया हमारा पठन क्षमता विकार होता है जो पढ़ने से दिक्कत होती है, डिसग्राफिया हमारे लेखन संबंधी विकार होता है। तो हमारा सही इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जैसा आपको आगामी वीडियो मिलते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिक्रमण की गति बढ़ाने के लिए, सेकंड है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, थर्ड है मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए, फोर्थ है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक लेवल में पूछा रहा है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक उपकरण को महत्व के बारे में बात किए तो बहुत मदद करेगा, वो कौन सा मदद करेगा। तो जैसे कि हम प्राथमिक लेवल में उपकरणों की बात करते हैं तो बच्चे क्या है, बच्चे के मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए सबसे बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि मूल जब हम बच्चों को जीवन से जुड़कर चीजें पढ़ाएंगे तो इसका करेक्ट हमारा ये सारी चीजें होंगी। तो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में दोस्तों के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, यहाँ पे खुला अंत वाला प्रश्न है, इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बी केयरफुली देखने होंगे। जैसे कि फर्स्ट है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, सेकंड है कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो या 45 हो, थर्ड है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 और 15 का मान ज्ञात कीजिए, फोर्थ है 15 × 3rd या 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे खुला अंत वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि आप 15 और से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक ही संख्या से आंसर आएगा, अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके मान के बारे में बात करिए तब भी इसका मान निकल आएगा एक ही बार में, और इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका मान भी आराम से एक बार में ही निकल आएगा। तो जैसे कि हमारे अगर हम बात करें खुले अंत प्रकार के प्रश्नों की, जब इसकी बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार सही से और देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है वो खुला अंत वाला, जैसे कि हम अगर सेकंड में देखते हैं कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, तो यहाँ पे कोई दो संख्या अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 15 × 3 = 45 या 5 × 9 लिख देंगे तो 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट में देखा जाए तो फर्स्ट में बोला आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो 15 को 3 से किस प्रकार गुणा करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना तो कोई इनकी कोई निश्चित विधि होती है और ना ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न हल करने की विधि एक से अधिक हो सकती है और प्रश्न के उत्तर भी एक से अधिक आ सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम खुला अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। अगर हम 3 से या 15 को 3 से गुणा करें तो चार प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि 15 को 3 बार जोड़कर, 15 को हम 3 बार जोड़ देंगे और 15 का पाड़ा 3 बार पढ़कर गिनकर और 3 की 15 से गुणा विधि करके, तो इस प्रकार से इसका हमारा करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा, थोड़ा सा हम करेक्शन करना है, थोड़ा सा मुझे डाउट था सेकंड और फर्स्ट में, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो इस समस्या का कारण है, फर्स्ट है गणित में रुचि का अभाव, सेकंड है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, थर्ड है शून्य के महत्व की समझ का अभाव, फोर्थ है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो यहाँ कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों के हासिल लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह कौन सा हो सकता है क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है यहाँ पे, कि किस प्रकार से हमें दूसरी संख्या को विभाजित करना है या उसे माइनस करना है।
तो यहाँ पे हम किस प्रकार से सारी प्रक्रिया करनी है या स्थानीय मान को किस प्रकार से लेना है, तो इसकी अनुकूल इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोला गया प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। सेकंड है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जैसे कि यथास अभ्यास किया जा सके। थर्ड है, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। फोर्थ है, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ दी गई है, तो वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, तो इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सही और उसमें जो हमारा नेगेटिव कीवर्ड आया कि केवल, तो ये हमारा नेगेटिव की वजह से आता है। जब भी ऑप्शन आता है तुम्हारा आंसर 99% केस में नेगेटिव में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास ज़्यादा रटन प्रणाली की बात कर रहा है, अभ्यास की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तुम्हारा सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, उसमें अवधारणा और परिचय संदर्भ के बारे में देना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं साथ साथ में। वैन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, फर्स्ट है स्तर फर्स्ट विश्लेषण, स्तर सेकंड अनौपचारिक निगमन, स्तर थर्ड औपचारिक निगमन, स्तर जीरो मानसिक चित्रण। तो वैन हिले की ज्यामिति स्तर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो अनुसार वर्गीकृत की कर सकते हैं, तो वो कौन सा स्तर होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आंसर तो करेक्ट होगा फोर्थ वाला, जीरो स्तर, स्तर जीरो मानसिक चित्रण की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यामितियों के मानसिक चित्रण आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की कक्षा में संप्रेषण उल्लेख किस क्षमता तक या क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा की बात की जा रही है, तो उसका जो संप्रेषण का उल्लेख है जो विकास किस कैसे करना है। फर्स्ट ऑप्शन है दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। सेकंड है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। थर्ड है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। फोर्थ है गणित के विचार को सुव्यवस्थित संक्षिप्त और स्पष्ट करना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम संप्रेषण की बात करें, तो गणित जो कहता है कि हमारे जो विचार होने चाहिए वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, सुव्यवस्थित होने चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो गणित यही चीज़ क्लियरिटी मांगता है। तुम्हारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कि विचार गणित विचार सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट होना करना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, फर्स्ट है विभाजकात्मक अवस्था में, सेकेंड है उपादन अवस्था में, थर्ड है सक्रियात्मक अवस्था में, फोर्थ है परिणात्मक अवस्था में। यदि कोई विद्यार्थी पूर्णक भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाओं को संपन्न करने में समर्थ है तो वो किस क्रिया पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि संक्रियात्मक अवस्था में है वो हर तरह प्रकार से संख्याओं को सॉल्व करने में दक्षता रखता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। NCF 2005 या राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो NCF किस प्रकार की सिफारिश करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, सेकंड है गणित के अमूर्त विचारों पर जानना, थर्ड है कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने की सहायता करना, फोर्थ है विद्यार्थियों की गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो देखा जाए कि जैसे कि NCF जो कहता है वो कहता है कि इन्वायरमेंट से जुड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़कर पढ़ाना चाहिए, तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो यहाँ पे नहीं मेरे को पूछा है, तो क्वेश्चन भी हमें आंसर भी नहीं में देना होगा। फर्स्ट है पंक्तिबद्धता, सेकंड है गणना, थर्ड है अंक लिखना, फोर्थ है संरक्षण। अगर हम आंसर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है फोर्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब संरक्षण की बात की जा रही है, और संरक्षण की बात करें तो संरक्षण को छोड़कर सभी पंक्तिबद्धता गणना करना अंक लिखना संक्रिया को समझने हेतु पहलू महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। अध्यापक ने कक्षा फोर्थ के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभावित आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं करने की बात की जा रही है, जो कि हमें आंसर नेगेटिव में देना होगा। सीटेट में से बहुत होता है, इसलिए हमें क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ना होगा, आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणनफल, सेकंड है क्षेत्रफल, थर्ड है आयतन, फोर्थ है गुणनखंड। तो जैसे कि अध्यापक ने फोर्थ क्लास की बच्चों को इस प्रकार की 36 टाइल्स दी हैं और क्षेत्रफल व्यवस्थित करने की बात पूछी है, तो कौन सा संकल्पना नहीं होगी, तो ये आंसर हमें देना है। तो जो आंसर जो होगी संकल्पना वो नहीं होगी, वो कौन सी होगी, इसका करेक्ट आंसर थर्ड वाला आयतन, क्योंकि यहाँ पर आयतनों में व्यवस्थित करने पर छात्र गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सेशन मिलती है, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।